क्योंकि अभी हमारी जो अगर हम देखें बाउंड्री जो बॉर्डर है कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, उस पर रोज़ाना इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। सबसे पहले तो ये कि इंडिया शुरू से ही हमारा उसके साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं रहा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा पीएम ने जो इनिशिएट लिया वो बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है कि वो इंडिया के साथ लड़ना नहीं चाहते, वो दोनों कंट्रीज़ का भला चाहते हैं। वहाँ से क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स कभी नहीं आया, इवन जब इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर जैसा एक पॉजिटिव स्टेप लिया तो उस पर भी आगे से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्सेज ही मिले थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम महविश नाज विद पब्लिक रिएक्शन शो। और आज हम बात करेंगे, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया से ट्रेड करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसका जवाब इंडिया ने इस तरीके से दिया है कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने हमारे प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करना चाहते। और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि गंदम की ट्रेड वो पूरी दुनिया में नहीं, किसी से भी नहीं करना चाहते। इस बारे में पाकिस्तानी आवाम की क्या राय है, उनके रिफ्यूज़ल की क्या वजह हो सकती है, हम जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। और इसके ऑथेंटिक रीज़न क्या है, ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, तब तक हमारे साथ रहिएगा। आज का सवाल ये है कि कुछ रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम लोग इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं ताकि आने वाले वक्तों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो सके, लेकिन इन रिटर्न हमारे पास जवाब इंडिया की तरफ से पॉजिटिव नहीं आया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिफ्यूज़ कर दिया है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ वो लोग गंदम की ट्रेड नहीं करना चाहते, क्या वजह हो सकती है? मेरे हिसाब से ये जो हमारा इनिशिएटिव था काफ़ी पुअर फॉरेन पॉलिसी की वजह से था, क्योंकि अभी हमारी जो अगर हम देखें बाउंड्री जो बॉर्डर है कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, उस पर रोज़ाना इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। पहले हम अपना पीस टॉक्स और पीस रेजोल्यूशंस पे तो पूरे उतर जाएँ, फिर हम उसके बाद में ट्रेड भी कर लेंगे। पहले हमारे शुरू के जो 74 जब से पाकिस्तान बढ़ा हमारे डिस्प्यूट्स उनके साथ रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो हम फिर उनके साथ ट्रेड कैसे कर सकते हैं? इंडिया के साथ पाकिस्तान के मतलब एनिमी लाइक रिलेशन है इनके साथ एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो प्रॉपर इंटरेस्ट बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये उनकी कोई इंडिया की वो मतलब कह सकते हैं कि इनका वो कोई प्लान होगा कि मतलब इनके इनको ग्रो करने से रोका जाए किसी तरह, ठीक है, इनको किसी भी तरह से जो है ना अपनी इकोनॉमी में या इनकी जिस तरह से कोई भी ऐसे मामलात या कोई भी ऐसी पॉलिसीज या कोई भी ऐसा कोई कि जिसकी वजह से पाकिस्तान मतलब ग्रो कर सके, तरक्की कर सके, ठीक है, वो ऐसी हर उस चीज़ के एंटी जाएंगे कि जिनसे इन दोनों के इनके दरमियान इनका भी जो भला हो। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया शुरू से ही हमारा उसके साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं रहा, और ख़ासकर 95 के बाद तो ये बिल्कुल ही ख़राब चलता आ रहा है। और इंडिया तो बेसिकली यही चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन ना बन सके। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा पीएम ने जो इनिशिएट लिया वो बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है कि वो इंडिया के साथ लड़ना नहीं चाहते, वो दोनों कंट्रीज़ का भला चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ट्रेड हो, आपस में लिंक अच्छे बने, लेकिन इंडिया इस चीज़ को सही तरह वेलकम नहीं कर रहा। इंडिया अभी भी वो पर्सनल ग्रज लेकर बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, पाकिस्तान कुछ नहीं है, ये है। तो इस तरफ से इंडिया ज़्यादती कर रहा है, इंडिया गलत कर रहा है। इंडिया को चाहिए कि अगर हम एक कदम उसकी तरफ आएँ तो वो भी हमारा तरफ एक कदम बढ़ाए और हमारे साथ ट्रेड करे, अच्छे रिलेशन कायम करे। बाकी जो हमारे मसले मसाइल हैं, अगर हमारा ट्रेड अच्छा हो जाता है तो वो बाकी मसले जैसे मसला कश्मीर या उस तरह के रिजॉल्व हैं, बॉर्डर इश्यूज़ हैं, वो मिलके सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा। इसकी मेन रीज़न सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को इंस्टेड शहबाज शरीफ को चाहिए नहीं था कि उनको ऐसा प्रपोजल भेजते, जिस तरह उन लोगों में बहुत ईगो है, हमें भी इस तरह से थोड़ा ईगोइस्टिक होना चाहिए और अपनी से अपनी कंट्री की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसका जो हमारा एक मैार है उसको स्टेबल रखने के लिए हमें इस तरह की ऑफर्स उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लाइक सच कंट्रीज़ वी हैव टू फोकस ऑन डैट कंट्रीज़ जिनका बहुत अच्छा, जिस तरह चाइना है और जिनका हमारे साथ जो टर्म्स हैं और बहुत अच्छी हैं, तो हम लोगों को उन पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन इंडिया एंड कंट्रीज़ लाइक दिस। पहली बात तो ये इंडिया पाकिस्तान क्लैशेज जो हैं ये आपको पता है पहले दिन से ही हैं, तो उधर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना ये हमारे लिए वैसे भी कोई नई बात नहीं है। वहाँ से क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स कभी नहीं आया, इवन जब इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर जैसा एक पॉजिटिव स्टेप लिया तो उस पर भी आगे से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्सेज ही मिले थे। पाकिस्तान के जो रूट्स हैं वो इंडिया से मिलते हैं, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत ज़्यादा साथ रह चुके हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन्स हैं इंडिया में, इनफैक्ट के मे बी इन फ्यूचर मेरी शादी भी वहाँ पर ही हो। नाइस वन। तो जो लोग हैं वहाँ के वो हमारे जैसे ही हैं बेसिकली सब, जो कुछ वहाँ पर कोई पोलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो चाहती हैं कि वो भी रिलीजन बेस पे कि हम जो अलग अलग रहें। और अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखें, इंडिया जो है अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जैसे हमारे रिलेशंस हैं चाइना के साथ, इंडिया के अमेरिका के साथ रिलेशंस चल रहे हैं। कुछ वो एंड भी आ जाता है कि पाकिस्तान को डीग्रेड करने का
और वो ऊपर उठ के एक आज़ाद कौम ना बन सके। माशाल्लाह से हमारे पास एटमी कुव्वत भी है, सब चीज़ें मौजूद हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे ज़खायर हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें आज तक लीडर ऐसा नहीं मिला जो उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सके। हम शहबाज शरीफ देखते हैं, नवाज शरीफ देखते हैं, इमरान खान देखते हैं, इनकी जंग आपस में चल रही है। मुल्क के लिए कोई बाहर नहीं निकलना कि हम मुल्क की खातिर, मुल्क की भलाई की खातिर। ज़रूरी तो नहीं है कि हम इंडिया के साथ ही ट्रेड करें, अगर हमारे साथ कोई नहीं कंसर्न कर रहा तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। दुनिया में और बहुत से ममालिक हैं, हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं जो कि हमें उससे अच्छे रेट पे हमारे वो बायर बन सकते हैं, हमारी इकॉनमी अप हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़हनियत, हमारा अलमिया ये है, हम आपस में लड़ रहे हैं और आपस की लड़ाई की वजह से पाकिस्तान डाउन हो रहा है। पाकिस्तान इंडिया के साथ तो क्या, किसी और भी अच्छे मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर पा रहा। आपको क्या लगता है गंदम की ट्रेड के रिफ्यूजल की क्या वजह है? क्योंकि देखें आजकल के गंदम की ट्रेड की वजह ये हो सकती है क्योंकि हमारा झुकाव इंडिया का झुकाव पाकिस्तान की तरफ कम है ट्रेड की वजह से, चाइना की तरफ और दूसरे वेस्ट की तरफ ज़्यादा है। और अगर आप देखें भी तो मिडल ईस्ट में सारे ट्रेड, सारा चावल और सारा जो वीट, हर एक एक चीज़ इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान को ज़्यादा बेटर फॉरेन पॉलिसी की वजह से अगर वो ही ट्रेड मिडल ईस्ट में कर दे तो इंडिया, क्योंकि वो भी तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, मगर उनकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिस वजह से वहाँ पे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स इंडिया लेके जा रहा है जो पाकिस्तान को लेके जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने गंदम की ट्रेड पूरी दुनिया में करने से रिफ्यूज़ किया कि हम किसी भी मुल्क के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरा ख्याल स्टोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद पॉपुलेशन मेरा ख्याल मोर देन 1.2 बिलियन है, तो खुद ही स्टोर करेंगे और फिर खुद ही उससे फ़ायदा उठाएंगे मुश्किल वक्त में। क्योंकि जिस तरह पहले कोविड की सिचुएशन आ गई थी, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में फूड की किल्लत आ गई थी, इसलिए वो शायद स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं कि कल को फिर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो वो अपना ही खुद का फील कर हो सकें। गंदम की वो शायद उनके पास उतनी मकदार नहीं है या उनके पास उतना स्टॉक हो भी ना कि शायद वो पूरे वर्ल्ड को जो है ना वो होगा भी कैसे। अब पाकिस्तान में ओवर, अब पूरी दुनिया में ओवरऑल देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि चंद ही मुल्क आते हैं, मतलब लाइक जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, ठीक है। अब इंडिया अकेला क्लेम करे कि मतलब कि उस केले के पास इतना स्टॉक है कि मतलब पूरी वो उसको इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, आई डोंट थिंक सो कि मतलब राइट, मतलब इंडिया राइट अपनी जगह पे। शायद वो ये गंदम अपने अवाम के लिए स्टोर करना चाहता है या अपने अवाम के लिए बचाना चाहता है कि जो उनकी अवाम है, आपको पता है जैसे वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड रहता ही रहता है, तो शायद वो अपनी आवाम के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं इसकी वजह से वो गंदम से नहीं। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के साथ तो उसका ग्रज है, एक एनिमी है, वो अपना ग्रज निकालेगा कि पाकिस्तान को नहीं देगा, फिर ये अपना ऊपर एक शो करने की कोशिश करेगा कि बिग ब्रदर बिग एनिमी। इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया तो ये हम सॉर्ट ऑफ इंसल्ट बोल सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, डेट्स वाई हम लोगों को इस तरह करना तो चाहिए। और मैंने जैसे पहले बोला कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग इंडिया, वी हैव टू फोकस ऑन अदर कंट्रीज जिनके साथ हमारी टर्म्स अच्छे हैं, जैसे टर्की हो गया या फिर चाइना हो गया या फिर रशिया के साथ आजकल हमारी अच्छी टर्म्स चल रही है, इस तरह के कंट्रीज़ के साथ हम लोगों को करना चाहिए, ना कि ऐसे कि, क्योंकि हम लोगों को पता तो होता ही है ना कि किस तरह की टर्म्स चल रही हैं, वो हमें रिफ्यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे हमारा प्रपोजल। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन, हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रेड करने से रिफ्यूज़ क्यों किया है, क्या ये तल्ख लहजा उनका सिर्फ पाकिस्तान की तरफ था या पूरी दुनिया की तरफ, इस बारे में पाकिस्तानी आवाम की राय आप लोगों ने जानी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक ऑथेंटिक रीज़न बताती चलूँ कि क्यों रिफ्यूज़ किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पेशली गंदम से, कि वो गंदम की ट्रेड पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हीट वेव जो कि 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है इस दफ़ा, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में, उनके मुल्क में यानी कि इंडिया में कहत ना पड़ जाए इस चीज़ का, ये सोचते हुए उन्होंने अपने मुल्क का और मुल्क के लोगों का ख्याल करते हुए पूरी दुनिया को गंदम देने से इनकार कर दिया, यानी वो गंदम की ट्रेड किसी मुल्क में भी नहीं करना चाहते। ये थी ऑथेंटिक रीज़न जिस वजह से उन्होंने ट्रेड से रिफ्यूज़ किया। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त, फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।